Madam Preeti Sudan, our Union Health Secretary, Dr. V.K. Paul, Dr. Balram Bhargav, Dr. Hank and Dr. Korsa, our distinguished representatives from WHO and World Bank, Dr. Sanjay Tyagi, Dr. Vikas Sheen, Dr. Sadeva, and I missed our special secretary Sanjeevaji, our other distinguished representatives from various other organizations, Global Fund, Dr. Nalbir, and so many distinguished people who are committed to eliminate tuberculosis from all parts of the country. दोस्तों, आप सब जो इस ऑडिटोरियम में इस समय बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आने वाला इतिहास ये बताएगा कि आप इतिहास के उस क्षण के साक्षी हो और उस क्षण के अंदर आप स्वयं भागीदार हो गए हो, जो कि आने वाले टीबी मुक्त भारत की पहचान बनने वाला है, याद बनने वाला है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद एक साल पहले हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था कि हमें दुनिया भले ही 2030 का इंतजार करें, लेकिन हम 2030 का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2025 तक अपने देश को टीबी से मुक्त करेंगे, टीबी को हराएंगे, देश को जिताएंगे। और आज उन्होंने जो अपील हमारे से की थी, उन्होंने जो हमारे अंदर देशवासियों में विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास को, उनके सपने को साकार करने के लिए एक योजना और एक योजना को क्रियान्वित करने के लिए, सफल बनाने के लिए एक टीम जो सारे देश में काम कर रही है। मुझे यहाँ पर उस टीबी मुक्त भारत की फाउंडेशन दिख रही है। यहाँ किसी रूटीन प्रोग्राम की तरह मुझे कोई उस कार्यक्रम के रूटीन पार्टिसिपेंट नहीं नज़र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के रूटीन यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ इस हॉल में बहुत कुछ नज़र आ रहा है। अभी मैं जब पिछले कार्यकाल में एनवायरनमेंट मिनिस्टर था, तो इसी हॉल में एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का मैं साक्षी था। आई वॉज विटनेस टू ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन दिस हॉल इटसेल्फ। हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे एनवायरनमेंट मंत्रालय को, जो कुछ देश एनवायरनमेंट के फील्ड में काम कर रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने पेरिस के अंदर ग्लोबल जब कॉप की मीटिंग हुई उसमें प्रस्तुत करके दिखाया, तो यूनाइटेड नेशंस ने तय किया कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने प्रधानमंत्री जी को, जो एनवायरनमेंट के फील्ड का बहुत बड़ा अवार्ड है, अर्थ केयर अवार्ड देने के लिए निश्चित किया। वो अवार्ड जो है, वो उसकी सेरेमनी होनी थी न्यूयॉर्क में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि
मैं उस कार्यक्रम में नहीं आ सकता. आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड टाइम टू गो देयर एंड रिसीव द अवार्ड. तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास समय है, मैं स्वयं हिंदुस्तान में आके आपको अवार्ड दूंगा. और मैं चूंकि एनवायरनमेंट मिनिस्टर था, मैंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इसी हॉल के अंदर किया था. और प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भारत में आके इसी हॉल के अंदर वो अवार्ड मेरे सामने दिया था. और अभी अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि 2025 से पहले ही शायद कोई ऐसा और कार्यक्रम यहाँ पे हम आयोजित करने का हमें सौभाग्य मिलेगा, जिसमें फिर से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आके भारत के अंदर टीबी मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री जी को अवार्ड देंगे. और उस समय जब अवार्ड दिया जाएगा, उस समय आप सब लोग इसी हॉल के अंदर इसी तरह से बैठे होंगे, लेकिन आप में और बाकी सब में ये फ़र्क होगा कि आपको गर्व होगा कि आप इस आंदोलन के वो सिपाही हो, मूल सिपाही हो, मूल बेसिक ग्रास रूट सिपाही हो आप. और यहाँ इसलिए मैंने कहा कि जो लोग बैठे वो साधारण लोग नहीं हैं, सारे देश के प्रतिनिधि हैं. सारे देश में टीवी फोरम बन गए हैं, 95% डिस्ट्रिक्ट्स में देश के. अभी जब मैंने ऐसे हेल्थ मिनिस्टर टेक ओवर किया था, तो मैंने टारगेट दिया था कि पहले 100 दिन के अंदर सब जगह पर पूरा कर दीजिए. काफ़ी बड़ा गैप था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, संजीवा जी को और विकासशील जी को और सारे देश के लोगों को बधाई देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स में 95% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम टीवी फोरम हमने बना दिया है. यानी हमारे पास वो यूनिट सारे देश में है जो दिन रात चिंतन कर सकती है, दिन रात इवैल्यूएट कर सकती है, दिन रात मॉनिटर कर सकती है, दिन रात नए जज्बे के साथ नई योजना बना सकती है. और फिर सारे लोगों को जो हम यहाँ तय करें, वो सारे लोगों को देश के अंदर वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए कार्यक्रम को आगे स्पीयर हेड कर सकती है. अभी हमने स्वयं देखा डाटा के अंदर कि देश में अभी भी लगभग 5.5 लाख टीबी के मरीज खोए हुए हैं, छुपे हुए हैं, हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं. ये कोई छोटा नंबर भी नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा असाधारण नंबर भी नहीं है कि हम उनको ढूंढ नहीं सकते. और इसको ढूंढने के लिए अभी जो साधन जितने चाहिए, खुशी की बात यह है कि भारत ने वो सारे साधन उपलब्ध करा लिए हैं. हम एक्टिवली जो है उसको ढूंढने के लिए सारे टूल्स डेवलप कर चुके हैं. अभी आज अभी यहाँ पर एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने का मौका मुझे मिला, जो देश के लगभग हर स्टेट के लिए स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस जो है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, वो भी सारे देश के अंदर पहुँच रही हैं. जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने पहुंचा दी है. जो स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो उसकी सुविधा जो है हर जगह पर उपलब्ध करा दी गई है. और शायद दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें भारत जैसे बड़े देश में किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, साधारण दवाइयों से ठीक होने वाली ट्यूबरक्लोसिस हो या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो. ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस तो हो जाए तो 1 लाख रुपए तक उसके इलाज पे खर्च होता है, लेकिन भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर दिया है कि आप प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज कराएं तो भी आपके पूरे इलाज का पूरा दवाइयों का सब प्रकार से दवाइयां आपके लिए उपलब्ध कराना, खर्चा करना, वो भी जो है भारत सरकार बियर करती है. और डॉक्टर के लिए भी अगर वो सरकार को बता दे उस मरीज़ के बारे में, तो उसके मरीज़ को नहीं उससे छीनती है, उसके मरीज़ को दवाई देती है और उस डॉक्टर को भी जो है एक प्रकार का ऑनरेरियम देती है. इतना मैं समझता हूँ कि प्रभावी, इतना थॉरो, इतना इंक्लूसिव
कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। और ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? भारत में, जिसकी आबादी हो गई है 1.35 बिलियन। इसलिए मुझे ऑनेस्टली कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, किसी तरह का संकोच नहीं है, किसी तरह के कॉन्फिडेंस में कमी नहीं लगती। टीवी को तो हम हरा देंगे, अब सिर्फ सवाल इतना है कि 25 में हराएंगे कि 25 से पहले ही हरा के दिखा देंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में रहा तो मैंने देखा कि जो गोल्स दुनिया के सामने हमने सेट करके दिखाए वो दुनिया के मुकाबले वो काफ़ी एम्बिशियस थे, और ऐसे लगता था कि हमने दुनिया के मुकाबले ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स सेट किए हैं तो शायद हमको देरी हो सकती है। हमने तय किया कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को 2005 के मुकाबले 2030 में 33 से 35% जो है एमिशंस को कम करेंगे। हमने तय किया कि हम 2030 तक जो अपना टोटल एनर्जी का कंजम्पशन है उसका 40% जो है वो क्लीन एनर्जी से हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा लेवल हम अचीव करेंगे 2030 में। और मैं जब 2000 और भी कई सारे पैरामीटर्स थे, मैं केवल दो पैरामीटर्स की आपसे बात कर रहा हूँ, सब पैरामीटर्स में हम बहुत आगे। तो 2018 में मैंने स्वयं दस्तखत किया जिस रिपोर्ट को ग्लोबली सबमिट किया गया। तो 2020 के अंदर हमको उस 33 से 35% के रिडक्शन में हमें 20 और 25% के बीच में हमारे को 2020 तक पहुंचना था, और जो 2018 में हमने रिपोर्ट सबमिट की उसमें कंपाइलेशन था 2014 तक के डाटा का, उसके अंदर ऑलरेडी हम 20% तक पहुंच चुके थे। और जो डाटा, जो क्लीन एनर्जी का 40% का लेवल हमको अचीव करना है 2030 में, और हमने 2018 में रिपोर्ट सबमिट की, तो हम 34-35% क्लीन एनर्जी का लेवल ऑलरेडी टोटल अपनी कंजम्पशन का ऑलरेडी 2018 की इंटरनेशनल सबमिटेड रिपोर्ट में हम जमा कर चुके थे। और इसी तरह से अभी जो 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है, 2022 का टारगेट है, प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं कई प्रोग्राम्स में पावर मिनिस्टर के साथ शेयर किया मैंने मंच, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम 2022 से पहले पहले उसको जो है टारगेट को पूरा करके दिखा देंगे। इसलिए मुझे कोई अंदेशा या किसी तरह का इस बात में कन्फ्यूजन या डाउट नहीं लगता कि हम ये भी काम नहीं कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना जब 23 सितंबर को लॉन्च हुई थी, एक साल पहले, बहुत सारे लोगों ने संदेह व्यक्त किए थे। आज एक साल के बाद इस भारत में उस योजना के 47 लाख लाभार्थी, यानी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर का रहने वाला गरीब आदमी किसी भी अस्पताल में जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और ऐसे 18,000 अस्पताल, घुस जाए बिल्कुल फक्कड़, जेब में एक रुपया भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, सिर्फ शायद अपना आधार नंबर बताएगा और इलाज शुरू हो जाएगा, बड़े से बड़ा इलाज शुरू हो जाएगा, और 47 लाख लोगों का इलाज हो गया। 40,000 ऐसे लोगों का इलाज हो गया जो पैदा कहीं हुए, काम कहीं करते हैं, बीमार हिंदुस्तान में कहीं और पड़ गए, लेकिन इलाज हो गया। ये हमने भारत के अंदर करके दिखा दिया। कोई छोटी बात नहीं है कि 135 करोड़ लोगों में 55 करोड़ लोगों के लिए संकल्प हो गया, और संकल्प करने के बाद हमने उसको एक साल के अंदर ऐसी अचीवमेंट करके दिखाई कि आज वर्ल्ड बैंक भी तारीफ़ कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी तारीफ़ कर रही है, जर्मन एजेंसीज भी तारीफ़ कर रही हैं, दूसरी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज तारीफ़ कर रही हैं, और प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विषय के ऊपर फ्रंट से लीड करके और सारी दुनिया को बताने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमारी जो ताकत है, हमारा जो पोटेंशियल है, केवल उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। ये जो टीबी हारेगा और देश जीतेगा, आप अपने देश का भी इतिहास देख लीजिए, अब पहली शताब्दी से आज तक जो है सभी हमें तो विदेशी आक्रमक
आक्रांताओं का शिकार ही होना पड़ा है, लेकिन भारत में ऐसी ताकत है कि भारत की जो हस्ती है इसके ऊपर कोई जो है ज़रा सा भी जो है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया। हम हमेशा विजयी हुए, कोई हमको हरा नहीं पाया। हमने किसी को ज़बरदस्ती जो है हराने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम हमेशा जीते हैं। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि टीबी निश्चित रूप से हारेगी और देश निश्चित रूप से जीतेगा। यहाँ तो मुझे इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो आज इस टीबी हारेगा देश जीतेगा के कैंपेन के अंदर हमारे मंत्रालय के साथ हैं, जो सारे देश भर के अंदर इस कैंपेन को जो है आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। 300 से ज़्यादा ऐसे सर्वाइवर जो हमारी बहन जो अभी यहाँ पर आई चिन्मई, उनके जैसे 300 जो है वॉलंटियर तैयार हो गए हैं देश के अंदर, जो लिविंग स्टोरीज हैं। लेकिन जब हम लोगों ने आज से 25 साल पहले देश को पोलियो मुक्त करने का सपना देखा था और मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला 20 दिसंबर 1993 को सपना देखकर और उस सपने के आधार पर उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का, तो अकेले से 4 से हमने शुरू किया था और 4 के बाद जब 70 हुए थे और 105 हुए थे, ये डॉक्टर सचदेवा जो आज टीबी के साथ जुड़े हैं ये भी उस ज़माने में पोलियो के साथ भी जुड़े हैं 25 साल पहले, तो उस छोटी 4 लोगों की यात्रा को शुरू करके हम लोगों ने देश से जो है उस देश से पोलियो को सबने मिलकर मुक्त कर दिया, जिसके 60% भारत में पूरी दुनिया के केसेस होते थे। और आज हमें बड़े खुशी से ये महसूस करने का मौका मिलता है कि पिछले 8 साल से हमारे देश में एक भी बच्चा पोलियो का अपाहिज नहीं हुआ, पोलियो ग्रस्त नहीं हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोगों को चेचक से जब देश मुक्त हुआ उस आंदोलन के साथ जुड़ने का क्यों नहीं मौका मिला, जबकि 70 के दशक में जब चेचक के खिलाफ दुनिया लड़ाई लड़ रही थी तो हम लोग तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन हमें याद नहीं आता कि मेडिकल कॉलेज में कभी हमको चेचक के खिलाफ जो आंदोलन देश कर रहा था, सारी दुनिया कर रही थी, उस स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के साथ हमें क्यों नहीं जोड़ा गया। और मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन को इन बड़ी बीमारियों के उन्मूलन के या उनके एलिमिनेशन के अभियान के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है वो बहुत भाग्यशाली हैं। और उस नाते आप सब ये याद रखिएगा, उस फंक्शन में भी हम सब मिलेंगे जिस फंक्शन में इस बात की औपचारिक तौर पे घोषणा होगी कि भारत ने टीबी को हरा दिया है। उस समय जो आनंद आपको आएगा वो किसी और को नहीं आएगा, जो आनंद दलवीर सिंह जी को आएगा वो किसी को नहीं आएगा। मुझे याद है कि मैंने 2014 में टीबी के लिए स्पेन के अंदर एक मीटिंग के अंदर इनके साथ पार्टिसिपेट किया था, उस स्पेन में बैठ के हम लोग जो है टीबी को जो है समाप्त करने के लिए भारत में स्पेन की धरती के ऊपर हम लोग जो है योजना बनाते थे। इसलिए जो अभी जब सारे देश के आज ये जो किताबें यहाँ रिलीज हुई है बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं, ये सर्वाइवर्स से लेकर और एम्प्लॉयर लेड मॉडल, और जो साथ में हमारे मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी जो है, और मैं जहाँ तक अपने पोलियो उन्मूलन से जुड़े हुए अनुभव को याद करता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि सबका पूरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और जब अच्छे मन से और सात्विक मन से हम सच्चाई से प्रयास करेंगे तो जिससे भी आप बात करोगे, जिसको भी जोड़ना चाहोगे, वो स्कूल का बच्चा होगा तो, वो कॉलेज का स्टूडेंट होगा तो, वो पुलिस का कांस्टेबल होगा तो, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा तो, कोई होगा वो स्काउट होगा, गाइड होगा, NSS का होगा, वो सरकार का किसी विभाग का अधिकारी होगा, आपके मन के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, आपके मन के भाव में सात्विकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए,
और मुझे कोई ज़रा भी शक नहीं है कि इतने बड़े सरकार के मुखिया के इतने बड़े सच्चे संकल्प को हम साकार ना कर पाए। मैं बार 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 एक बात को कहता हूँ, शायद सुनने में वो अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन ये बात मैं 5 साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत नज़दीक से कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर, देश में, देश के बाहर उनको काम करते हुए देखने के बाद, यूँ तो हम उनको 30 साल से 40 साल से जानते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 5 साल से जानते हैं, और उनकी जो विचारों की सच्चाई, गहराई और सात्विकता और दृढ़ता, और जो उनका विजन है, उनकी कमिटमेंट है, उनकी सिंसियरिटी है, उनकी ऑनेस्टी है, उसको बहुत नज़दीक से देखने के बाद मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 2014 के अंदर और दोबारा से 2019 के अंदर भारत के 135 करोड़ लोगों के ऊपर कोई ना कोई दैवी कृपा हुई जिसके कारण उनको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और आप उनकी कोई भी योजना के बारे में देख लीजिए, उन्होंने केवल घोषणा नहीं की, उन्होंने उस घोषणा को करने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए उसको व्यक्तिगत तौर पर, उसको जिसे कहते हैं कि फुल स्टॉप कॉमा के लेवल पर उसको मॉनिटर किया। उनका 2014 का पहला भाषण आप लाल किले पे जो दिया था, केवल उसको याद करिए। उन्होंने उस हमारी बहन के लिए कहा कि मुझे तकलीफ होती है कि मेरे देश में मेरी बहन को सूरज छुपने का इंतज़ार करना पड़ता अपनी कॉल ऑफ नेचर को अटेंड करने के लिए। खाली भाषण नहीं था वो, उसको फॉलो अप किया। तो आज फॉलो अप किया तो देश के अंदर 5,90,000 गांव भारत जैसे देश के, जहां आप जानते हैं कि निरक्षरता कितनी है, अशिक्षा कितनी है, लोगों के लिए कितनी सारी समस्याएं हैं, 5,90,000 गांव देश के वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बन गए हैं। देश का सैनिटेशन जो कवरेज है वो 35% से सीधा 95% 99% तक देश के अंदर पहुंच गया है। उन्होंने कहा मैं हर आदमी का खाता खोलूँगा। उन्होंने जनधन नाम दिया, हमको भी समझ में नहीं आता था मंत्री होते हुए, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा शब्द उन्होंने यूज़ किया, हमको नहीं समझ में आया कि ये खाता दे देंगे गरीब आदमी को, इससे क्या होगा। लेकिन जब देखा कि उसी खाते में, उस देश में जिसमें एक प्रधानमंत्री के हिसाब से 1 रुपये के बदले में 15 पैसा पहुंचता था, उसमें बटन दबाते दिल्ली से 1 रुपये के बदले में सैकड़ों स्कीम्स का 100 पैसा दूर दराज के हिस्से में भी पहुंच जाता है, तो हमें समझ में आया कि प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का क्या मतलब है। उन्होंने कहा मेरे देश में 18,000 गाँव हैं जिसमें बिजली नहीं पहुँची है अभी। अभी सोचिए कि हमारे घर में 15 मिनट के लिए बिजली चली जाती है तो हम पागल हो जाते हैं, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, इतनी मुश्किल है, पसीना आ रहा है। और 70 साल से इस देश में 18,000 गांव में 100% लोग रहते थे। वही व्यवस्था, वही सरकार, वही ऑफिसर, लोग कहते थे यहां पर खंबा नहीं पहुंच सकता, यहां पर रोड नहीं है गाँव में बिजली पहुँचाने के लिए, यहां पर ये कठिनाई है, यहां पर वो कठिनाई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं 1,000 दिन के अंदर एक एक गाँव में बिजली पहुँचाऊँगा, और उन्होंने 989 दिनों में देश के आखिरी गांव तक बिजली पहुंचा दी। जब डिजिटल इंडिया शुरू किया तो एक छोटे से छोटा मजदूर भी वो अपने 500 रुपये के मोबाइल के अंदर जो है बटन दबाकर अपने पैसे को बैंक से ट्रांजैक्शन करना शुरू हो गया। कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि इस देश में हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय पर हम संकल्प इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं।